नमस्कार, प्रकाश मॉडल स्कूल पीली गंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें देखो ज्ञात करना है, हमें क्वेश्चन दिए हैं, ए का फर्स्ट पार्ट है जैसे 24 का 1/2। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो का की जगह हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। 24 है पहले 24, फिर का की जगह गुणा, फिर 1/2। तो 24 का 1/2 मतलब आधा हिस्सा निकालते हैं भी कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 24 का 24 का की जगह गुणा और 1/2 लगा देंगे। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार 24 को 1 से गुणा कर लेंगे, 24 1 24 और 1/2, और 24 में यदि 2 का भाग दें तो उत्तर कितना आता है, 12 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये 46 है, तो 46 का 1/2 निकालना है, तो 46 का 46 का कीजिएगा गुणा और 1/2। 46 को 1 से गुणा करना है, 46 एकम 46 बटे में कितना आ जाएगा, 2। और 46 में यदि हम 2 का भाग दें, देखो 2 2 4 6 2 3 6, तो कितना उत्तर आया, 23 आया। तो यहाँ पे 23 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये करते हैं, बी है, देखो इसमें ए का फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब बी का फर्स्ट और सेकंड आगे है। तो बी का फर्स्ट है तो 18 का 2/3 है, तो 18 की जगह 18 का कीजिए हम गुणा लगाएंगे और फिर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको डायरेक्ट काटना आता है तो हम यहाँ पे देखो काट भी सकते हैं, 3 से 18 काट देंगे, या 18 को पहले 2 से गुणा कर ले, दो तरीकों से कर सकते हैं। 18 को 2 से गुणा करके लिखें तो 18 दूगा, ऐसे लिख लेते हैं पहले, 18 गुणा 2/3, तो 18 2 36/3। तो 3 से 36 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये है तो 27 का 2/3 है, तो 27 का 8 गुणा 2/3, यहाँ पे 27 है तो 27 गुणा में 2/3, 27 को 2 से गुणा किया, 27 2 54 होते हैं, 1/3। अब 54 में 3 का भाग दे देंगे, 54 में 3 का भाग दिए तो 3 3 3 3 8 24, तो कितना आ जाएगा, 18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं।